प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे वक्ता माने जाते हैं। वो जब भाषण देते हैं तो सब और मोदी मोदी के जयकारे गूंजने लगते हैं। कहा जाता है कि मोदी के भाषणों में कम्युनिकेशन के 7 C's का भरपूर इस्तेमाल होता है, तभी तो उनके हर डायलॉग की जनता कायल हो जाती है। तो आइए आज आपको नरेंद्र मोदी के भाषणों के ऐसे ही 10 सुपर हिट डायलॉग्स बताते हैं जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बनाने में अहम भूमिका निभाई। पहला डायलॉग, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो। साल 2014 में मोदी सरकार को लेकर लोगों में गजब का क्रेज था। तब मोदी हर रैली हर मंच से जनता के साथ ये नारा जरूर दिया करते थे कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे सिर्फ 60 महीने दे दो, मैं देश की तकदीर बदल दूंगा। दूसरा डायलॉग, मैंने चाय बेची है देश नहीं। नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि मैंने चाय बेची है देश नहीं। इस डायलॉग के जरिए जहां मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं, तो वहीं खुद को चाय वाला बताकर लोगों की सहानुभूति भी बटोरते रहे हैं। तीसरा डायलॉग, जितना अधिक आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे उतना अधिक कमल खिलेगा। अपने भाषणों में मोदी ये लाइन तब इस्तेमाल करते आए हैं जब उन्हें विपक्षी पार्टियों को बातों ही बातों में परास्त करना होता था, और तब वो मंच से मुखर होकर बोलते थे कि जितना अधिक आप मेरे ऊपर कीचड़ फेंकेंगे उतना अधिक कमल खिलेगा। चौथा डायलॉग, माँ और बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अपने भाषणों में इस डायलॉग से पीएम मोदी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधते आए हैं। वो कांग्रेस को माँ बेटे की सरकार बताते हुए कहते हैं कि माँ और बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पांचवा डायलॉग, हम एक स्किल्ड इंडिया चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 10 सालों में एक स्कैम इंडिया बना दिया है। मोदी के इस डायलॉग ने न्यूज चैनलों पर काफी सुर्खियां बटोरी थी। कांग्रेस पर स्कैम का आरोप जड़ते हुए मोदी कई बार ये भाषण देते हुए सुने गए हैं कि हम एक स्किल्ड इंडिया चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल में एक स्कैम इंडिया बना दिया है। छठा डायलॉग, आप मुझे एक मजबूत सरकार दें, मैं आपको एक मजबूत भारत दूंगा। इस डायलॉग के जरिए मोदी ने सीधे तौर पर लोगों से वोटों की अपील की और कहा कि आप मुझे एक मजबूत सरकार दें, मैं आपको एक मजबूत भारत दूंगा। सातवां डायलॉग, आप नामदार हैं और हम कामदार। इस डायलॉग के जरिए मोदी ने जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि गांधी परिवार को लोग भले नाम से जानते हो, लेकिन हमें जनता हमारे काम से जानती है। आठवां डायलॉग, वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन है। इस डायलॉग से मोदी ने कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति पर तीखा वार किया। मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये बोलते आए हैं कि वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन है। नौवां डायलॉग, मैं नीची जाति से हूँ, इसलिए इन्हें लगता है कि मैं नीची राजनीति करता हूँ। इस डायलॉग के जरिए मोदी जातिवाद का भरपूर फायदा उठाते हैं, साथ ही कांग्रेस पर कटाक्ष करते हैं कि मैं नीची जाति से हूँ, इसलिए इन्हें लगता है कि मैं नीची राजनीति करता हूँ। दसवां डायलॉग, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस नारे को पीएम मोदी के भाषणों में हाल ही में सुना गया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की कार्रवाई के बाद मोदी ने जब ये लाइनें बोली तो हर कोई झूम उठा। तो ये थे मोदी के वो डायलॉग्स जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने में भरपूर मदद की है। इन नारों की वजह से ही मोदी देश की जनता के दिलों में उतरते गए। खबर अपडेट की रिपोर्ट।